पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस समय वहाँ माइनस में तापमान चल रहा है, जिसका सीधा असर जो मैदानी इलाकों पर है उन पर पड़ रहा है। उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR की बात करें तो बीती रात कड़ाके की ठंड यहाँ के लोगों ने महसूस किया। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो बीती रात है उसमें रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। कंपकंपी ला रही दिल्ली की सर्दी, दिल्ली में टूट गया ठंड का रिकॉर्ड, राजधानी में पड़ने लगी खून जमाने वाली ठंड, शीतलहर के साथ घने कोहरे का डबल अटैक। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। शीतलहर के साथ घने कोहरे का डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। बीती रात दिल्ली में ठंड ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश की राजधानी में आज यानी 16 जनवरी की रात को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में बीती रात 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बीते दिनों तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो अब आगे बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड का मुख्य कारण पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ तापमान इस समय माइनस डिग्री पर है। फिलहाल पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदान में शीतलहर चल रही है। शीतलहर का असर इतना ज्यादा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान में और गिरावट आई है। लगातार बढ़ रही ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ हफ्ते तक लोगों को इस तरह की ठंड का सामना करना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि अगर ज़रूरत लगे तो ही लोग घरों से बाहर निकले, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम जो चीज़ें होती है, स्वेटर, ग्लव्स और जो मफलर होते हैं उनका इस्तेमाल लगातार करें। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर 6 दिन का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 3 दिन भीषण ठंड रहेगी और फिर 3 दिन पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप खिल रही है। IMD ने दिल्ली में लगातार 3 दिन 3 डिग्री का टॉर्चर और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की है। भारत में बारिश, सर्दी और गर्मी का पैटर्न बदल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली पे हो रहा है। इस मौसम में अक्सर अच्छी धूप रहती है, लेकिन पर्यावरण में हो रहे बदलाव की वजह से मौसम का चक्र बदल रहा है, यानी फिर कोहरे की मार के साथ लोगों को ठिठुरन झेलनी होगी। IMD की माने तो 16, 17 और 18 जनवरी को शीतलहर का प्रकोप रहेगा, जबकि 19, 20 और 21 जनवरी को घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान दिल्ली NCR के मुख्य स्टेशनों पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी। बहरहाल मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक इस तरह का जो तापमान है वो रहेगा। ऐसे में कब तक यहाँ दिल्ली NCR के लोगों को ठंड से राहत मिलती है ये देखना होगा।